क्या हाल है भाई? आप एक्टिंग के अलावा और किस किस में शौक रखती हैं? आप क्या आपको पसंद शौक? है? मैं एक्चुअली मेरे टंग को मेरे नोज तक टच कर सकती हूँ। How cute! It's my talent. Sure. Very nice. Oh, not bad. नहीं यार, जिसको जिसको लग रहा था अनन्या पांडे का असली टैलेंट ये है, आप लोग बहुत बड़े गलतफहमी में हो। असल में इसका असली टैलेंट ये है। अनन्या पांडे से अब भी लगातार पूछताछ चल रही है। एनसीबी पिछले 1.5 घंटे से पूछताछ कर रही है। इस दौरान एनसीबी ने ड्रग्स मामले से जुड़े कई सवाल उनसे पूछे हैं। सूत्रों के मुताबिक एनसीबी ने अनन्या से पूछा है कि आप आर्यन को कब से और कैसे जानती हैं। बड़ी खबर, मुंबई से एनसीबी की टीम अभिनेत्री अनन्या पांडे के घर पहुंची है। तमता बड़े हैवी ड्राइवर है भाई। अभी यार, इस बॉलीवुड को हो क्या गया है, जिसे देखो आजकल चरस गांजा, मेरे को प्यारा चरस गांजा। चरस गांजा मेरे को प्यारा, चरस गांजा मेरे को प्यारा, फुकू मैं सुबह शाम रात को दिन। सच में गाइस, बॉलीवुड में अगर ये सब चलता रहा ना, कुछ साल बाद बॉलीवुड का हालत कुछ ऐसा होगा। वर्ल्ड फेमस शाहरुख खान के बेटे अगर ऐसा कर सकता है, तो बॉलीवुड में सभी ऐसा कर सकता है। सब बेटी चो। नियर गाइस, आप लोग एक बार सोचो, वर्ल्ड फेमस शाहरुख खान के बेटे को क्या पसंद है? हाँ, मुझे अभी पता, आप में से मैक्सिमम लोग बोलेंगे लड़की। नहीं, आप लोग बहुत बड़े गलतफहमी में हो। आर्यन खान डक की दुकान। अबे साले, 13 ग्राम कोकेन मिला है आर्यन के पास से, 5 ग्राम MD, 21 ग्राम चरस और 22 गोलियां मिली है MDMA। अबे यार, इतना सारा नाम सुनकर तो मुझे खुद चक्कर आने लग गया। अरे तमता बड़े हैवी ड्राइवर है भाई। के साथ साथ 133,000 रूपए कैश भी जो है आर्यन खान से बरामद किया गया है। आर्यन खान ड्रग्स को सेल करने भी पहुंचा हुआ। कुछ भी बोले जा रहे साले, वर्ल्ड फेमस शाहरुख खान के बेटे है, वो क्यों ड्रग्स सेल करने लग जाएगा भाई? शायद अब्बा जान ने पैसा नहीं दिया होगा। अबे साले, फिर भी यार शाहरुख खान के बेटे ड्रग्स सेल करने लग गए। कुछ भी इस बात में कितना सच्चाई है मुझे बिल्कुल नहीं पता, लेकिन शाहरुख खान इस न्यूज सुनने के बाद अपने आप को प्राउड फील जरूर कर रहे होंगे। चुप, बिल्कुल चुप। क्योंकि वर्ल्ड में ऐसा स्टंट की जिन्हें डायरेक्टर ने लॉन्च नहीं किया, न्यूज रिपोर्टर वालों ने लॉन्च किया। लेकिन यार बहन, तो सारे न्यूज रिपोर्टर वाले आ गए, अर्नब कहाँ है? वैसे भी शाहरुख खान ने अर्नब का एक बार मुंह बंद कर दिया था। अरे मुंह बंद कर दिया था मतलब वो नहीं है, मतलब बोल के मुंह बंद कर दिया था। हाँ, बोल के मुंह बंद कर दिया था। तो गाइस, कहानी कुछ ऐसा है, हम लोग आप लोगों को ले चलते 2 तारीख, जिस दिन बापू का जन्मदिन होता है। उस दिन उन्होंने समंदर के लहरों में एक नाव में रेप पार्टी कर रहे थे। तो गाइस, रेप पार्टी बोले तो वही नाच गाना डीजे शीजे और अबे साले। और कैसे ये रेप पार्टी का खबर एनसीबी वालों को पहले से पहुंच गया था। और क्या, शाहरुख खान के बेटे को वहां से उठा के लेके गया और बहुत पूछताछ करने के बाद अगले दिन फिर से चला गया बारात निकालने। और बेंचोत, मुझे ये बात पता नहीं चल रहा कि इस न्यूज को न्यूज रिपोर्टर वाले बवासीर की तरह फैला क्यों रहे। अभी यार पैसे उसमें अमीर है, वो ढग नहीं लेगा तो और क्या करेगा, UPSC का एग्जाम क्लियर करेगा या मेरे तरह ही एप्पल का जूस पिएगा? नियर गाइस, मैं ये नहीं बोल रहा कि जिसमें भी पैसे वो ढग लेना स्टार्ट कर दे, बाकी तुम्हारा मन है। अबे साले। और गाइस, वही शाहरुख खान के बेटे से पूछताछ करने के बाद और उसका मोबाइल चेक करने के बाद नाम सामने है अनन्या पांडे का। अब यार मैं तो सोचता था शाहरुख खान का बेटा कुछ बड़ा काम करके आएगा, साला तो चोर निकला बे। और साथ में अनन्या दीदी को और फंसा दिया। शायद शाहरुख खान के बेटे को पता नहीं था कि अनन्या पांडे इतना स्ट्रगल करता है। और इस आर्यन का अरेस्ट होने के बाद सलमान खान सबसे पहले गया था शाहरुख खान के हेल्प करने। बेटे आर्यन खान के अरेस्ट होने के बाद शाहरुख खान को मिला भाईजान सलमान खान का साथ।
शाहरुख खान की लाइफ की सबसे बड़ी मुश्किल घड़ी में सलमान खान बने उनके सबसे खास। लेकिन साला लोगों को उसमें भी नेगेटिव पॉइंट दिख रहा है। ये जो आप इस इमारत की पहली मंजिल पर अनन्या पांडे रहती हैं, अनन्या पांडे का घर है, चंकी पांडे, अनन्या पांडे की माँ और उनकी बहन, ये चार लोगों का परिवार यहाँ पहली मंजिल पर रहता है। अबे चुप, लिख लो लिख लो लिख लो, यूपीएससी एग्जाम में आएगा, लिख लो लिख लो। मैं भी लिखता हूँ, अबे पेन और वो कहा है, बुक्स कहा है मेरा। अभी यार हरामी न्यूज रिपोर्टर वाले को एक छोटा सा न्यूज मिलने दो, उसका इतना बड़ा करके मानेंगे। अभी यार सालो अनन्या पांडे ड्रग केस में फंस गया, उसका घर वाले नहीं फंसा कि इसका घर दिखा रहे हो। उसके घर में मम्मी है, उसके घर में पापा है, उसके घर में भाई है, उसके घर में बहन है, ये सब दिखाने की कोई जरूरत नहीं है तुम्हें। अभी यार इस देश में चूतिया की कमी बिल्कुल नहीं है, सबसे पहले चूतिया इस न्यूज रिपोर्टर वाले ही होते हैं। यार बहन चो सारे मिल के हमको पागल बना रहे, मादर चोत के बच्चे। और साला एक होता है जेल, जिसमें दिन रात मम्मी पापा के दिमाग में यही बात घुसाया जाता है कि मोबाइल यूज करने मत दो, मोबाइल खराब होता है, मोबाइल से कुछ नहीं हासिल हो सकता। बपे यार जब भी पापा के सामने जाओ ना, पापा एक ही बात बोलते हैं, मोबाइल छोड़ो, मोबाइल छोड़ के किताब पढ़ो जाके। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। साला कभी दिन तो मन करता है कि पत्थर लेके टीवी फोड़ दूं। हाय गाइस, सोशल डिस्टेंसिंग, ओह गॉड नो, बट यू आर लिविंग इन द सेम हाउस। ओके, से हाय टू एवरीवन। हाय एवरीबॉडी, दिस इज माय डैड चंकी पांडे। दिस इज माय डैड चंकी पांडे। अब यार उनकी वजह से तुम्हें सब जानते हैं, तुम्हारी वजह से उन्हें कोई नहीं जानता। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? और गाइस अनन्या दीदी के जी के माशाल्लाह, इसको क्या बोलते हैं? ओह गॉड व्हाट इज, एक सेकंड, छछिंदर, इतना गलत कैसे हो सकता है भाई? अनन्या के पुदीना, अनन्या के पुदीना, पागल औरत। अच्छा ये क्या है? अब बैंगर। अच्छा ये क्या है? अब बैंगर। ओह माय गॉड, टू मेनी कॉल्स ऑन माय माइंड, आई कांट स्लीप एट नाइट, सो आई जस्ट कीप राइटिंग। तो गाइस आज की वीडियो हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। फिर से मिलते हैं अगले किसी वीडियो में अगले किसी टॉपिक के साथ। अगले बाय, टाटा, जय हिंद। ए टोनी कसला था हम लसरे वाजो की।